ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਲਾਵਾਂ ਹੁਣ ਐਸੇ ਤੁਮ ਮਿਲੇ ਹੋ ਐਸੇ ਤੁਮ ਮਿਲੇ ਹੋ ਜੈਸੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤੂੰ ਲੱਗੇ ਸੋਹਣੀ ਜਦ ਖੇਲੇ ਵਾਲਾ ਨਾ हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज के वीडियो में मैं शेयर करने जा रही हूँ ये वाला मेकअप लुक आप नवरात्रि के टाइम गरबा के समय कर सकते हो, दुर्गा पूजा के लिए भी कर सकते हो। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि मेरा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ब्लू स्मोकी आई मेकअप है और किसी भी आउटफिट के साथ चल जाएगा ये वाला आई मेकअप आपका। अगर मेरा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप जानना चाहते हो कि मैंने ये वाला मेकअप लुक कैसे में किया तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो फ्रेंड्स, दो हेयर स्टाइल के साथ बताऊंगी मैं ये वाला मेकअप लुक, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। सब्सक्राइब एकदम फ्री है तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करें, मैं बहुत ही मेहनत कर रही हूँ फ्रेंड्स, तो वीडियो को आप ज़रूर देखें। तो वीडियो को शुरू करते हैं फिर। तो सीरम लगा रही हूँ मैं एनडी का, मैंने मॉइस्चराइजर भी लगा लिया था, पहले टोनर लगा लिया था फिर मॉइस्चराइजर भी लगा लिया था। तो पहले आप अपनी स्किन केयर ज़रूर कर लीजिया करें, तो आप कम प्रोडक्ट में ही ये वाला मेकअप कर सकते हो, काफ़ी अफोर्डेबल प्रोडक्ट बता रहे हैं। तो प्राइमर मैं यूज़ कर रही हूँ एनबी का, तो आप मेरा मुंह चलते हुए देख रहे होंगे। तो मैं मायके गई थी इस टाइम पे पापा के यहाँ, तो भाभी थी, भाभी से बातें कर रही थी मैं, तो जो कि काफ़ी अच्छा लॉन्ग लास्टिंग प्राइमर है। फिर मैं ओलिविया का पैन स्टिक होता है जो, वो यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी अच्छी कवरेज है इसकी और वाटरप्रूफ भी है, लॉन्ग लास्टिंग है, काफ़ी देर तक आपका मेकअप टिका रहेगा। तो ये ब्रश से भी अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, तो आप ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से भी इसे अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो। तो कवरेज गाइस, ये होता है ना कि कवरेज भी होनी चाहिए, फाउंडेशन की कवरेज ही होती है और जो वाटरप्रूफ है यही देखा जाता है कि आपका मेकअप काफ़ी देर तक टिका रहता है कि नहीं टिका रहता। लेकिन ये काफ़ी देर तक टिक जाएगा आपका जो ये फाउंडेशन पैन स्टिक है ओलिविया का, इसको ज़रूर यूज़ करें आप। तो ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से भी ये आसानी से ब्लेंड हो जाता है, तो बस यही है, ब्लेंडिंग भी को भी आप ज़्यादा टाइम दिया करें। तो देख लीजिए आप, अच्छे से सेट हो गया है। अब मैंने जो पैन स्टिक लगाया था मैं उसे अच्छे से कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट कर लूँगी। कॉम्पैक्ट पाउडर में यूज़ कर रही हूँ L18 का। तो आप अपने शेड के हिसाब से जो भी आपका स्किन का टोन होगा ना, तो आप वो शेड चूज़ कर सकते हो ओलिविया पैन स्टिक का। फिर आई शेडो के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का, तो मैंने इसमें से लाइट ब्राउनी कलर लिया और अच्छे से अपने क्रीज पे ब्लेंड कर लूँगी। तो इसके लिए तो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि आप ये वाला आई शेडो लो, 60 रुपीज़ में मिल जाता है, लेकिन इतना अच्छा नहीं है ये। फिर मैंने उसी आई शेडो पैलेट से ब्लू कलर लिया, डार्क ब्लू कलर, और इस तरीके से फ्लैट ब्रश की मदद से लगा लूँगी मैं। तो मैं ज़्यादा ज़्यादा करके लगा रही हूँ फ्रेंड्स, तब जाके ये आई शेडो लग रहा है। तो इसको आप बिल्कुल भी मत लेना, मैं बिल्कुल ना कहूँगी इस प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि ये एकदम बाद में थोड़ी देर बाद क्या है ना, ये आपका शेडो निकल जाएगा, ये ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा, तो इसलिए आप इसको बिल्कुल भी ना ले। फिर मैं वही ब्लू कलर ले रही हूँ, डार्क ब्लू कलर, और अपनी दूसरी आई लिड पर लगा लूँगी। तो ये वाला आई मेकअप आपका हर ड्रेस के साथ अच्छा लगेगा, कोई भी कलर हो ना, किसी के साथ भी अच्छा लगेगा। तो मैंने ज़्यादा ज़्यादा करके लगाया है गाइस, तब जाके लग पाया है ये आई शेडो। फिर मैंने वही डार्क ब्लू कलर लिया और अपनी लोअर लैश लाइन पे लगा लूँगी। तो फ्रेंड्स प्लीज़ सपोर्ट करें, मैं बहुत सी ऐसी मेकअप वीडियो आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को ज़रूर देखते रहें। फिर आई लाइनर मैं लगा रही हूँ ब्लू हेवन का, तो मैं कोई फॉल्सेसेस वगैरह नहीं लगा रही हूँ, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप फॉल्सेसेस लगाओ, आप अच्छे से भर भर के मस्कारा लगा सकते हो और मोटा सा विंग आईलाइनर ड्रॉ कर दो ना आप, तो आपका आई मेकअप और आपका जो लुक है वो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो इसलिए आप अपने आई मेकअप पे ज़्यादा ध्यान दिया करें, जो आपका आई मेकअप है वो अच्छा
होना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए, तभी आपका लुक अच्छा आएगा। तो मैंने एनबे का काजल यूज़ किया, एनबे का काजल लगाया मैंने। फिर मैंने वही काजल ब्रश की मदद से लगा रही हूँ, एंगुलर ब्रश है उसकी मदद से लगा लूँगी। तो ज़्यादा प्रोडक्ट मैं नहीं लेके गई थी घर, तो जब मैं मायके गई थी तो आप कम प्रोडक्ट में ही देख लीजिए आप काफ़ी अच्छा खासा मेकअप कर सकते हो। अब मैंने काजल की मदद से ही अपनी आईब्रो को फिल कर लिया है। फिर मैंने दोबारा से जो फॉल आउट हुआ होगा आई शेडो और कॉम्पैक्ट पाउडर से मैंने सेट कर लिया है। फिर मैं अब अच्छे से मस्कारा लगा लूँगी अपने अपर वाटर लाइन पे और लोअर लैश लाइन पे भी। तो मस्कारा यही है, फॉल्सेस नहीं लगाओगे ना आप, तो आपने डबल कोड में मस्कारा लगाना है। तो बेला वॉश्ड का मस्कारा है, काफ़ी अच्छा मस्कारा है ये, तो डबल कोड में मस्कारा लगा दोगे आप तो आपको नकली पलके लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर आप ब्लू स्मोकी आई करो या ब्लैक स्मोकी आई मेकअप करो, ये किसी भी ड्रेस के साथ चल जाता है, आपका कोई भी कलर हो उसके साथ मैच हो जाता है और बेहद ही खूबसूरत लगता है, आपका जो लुक है काफ़ी अच्छा आ जाता है। तो आई मेकअप का यही है कि आई मेकअप आपका अच्छा होना चाहिए ना, तो आपका मेकअप है ना जो तभी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आई मेकअप देखते हो आपके, मैं ज़्यादा नहीं बताती, 2-3 में ही आप अच्छा खासा आई मेकअप कर सकते हो। तो जो मेरा आई शेडो हल्का सा हो गया था तो मैंने उसी आई शेडो पैलेट से वो वाला ब्लू कलर लिया और अपनी आई लिड पर लगा लिया है। अब मैंने उसी आई शेडो पैलेट से ब्राउन कलर लिया, अच्छे से अपने चीक्स की नोज़ की कॉन्टूरिंग कर लूँगी। तो ये वाला आई शेडो आप बिल्कुल भी मत परचेस करना। अब मैंने ब्लश लगा लिया है, तो लिपस्टिक मैं लगा रही हूँ एनबे की। तो फ्रेंड्स आज मैं 3-3 लिपस्टिक मिक्स करके लगाने वाली हूँ। मैं हर वीडियो में 2-2 लिपस्टिक लगाती हूँ ना मिक्स करके, आज मैं 3-3 लगाने वाली हूँ। क्योंकि अगर आप ऐसे भी लिपस्टिक लगाओगे ना तो अच्छा जो आपका लिपस्टिक का कलर है और भी अच्छा आ जाता है, अच्छे से भी बहुत ही अच्छा आ जाता है। तो एनबे की लिपस्टिक है, काफ़ी अच्छी लिपस्टिक है। दूसरी लिपस्टिक मैं यूज़ कर रही हूँ एसक्यू की लगाई मैंने, और हाइलाइटर में यूज़ कर रही हूँ ग्लैम 2-1 का, जो कि मेरा फेवरेट हाइलाइटर है। फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा हाइलाइटर है ये, और अच्छे से अपने चिक्स पे हाइलाइट कर लूँगी, नोज़ पे हाइलाइट कर लूँगी और फोरहेड पे हाइलाइट कर लूँगी। तो एकदम बेहतरीन हाइलाइटर है ये। नोज़ पे, क्यूपिड बो पे, चिन पे हाइलाइट कर लिया है, और थोड़ा थोड़ा ब्राबोन पे हाइलाइट कर लूँगी। तो ब्राबोन पे भी हाइलाइट कर लीजिया करें, नेचुरली लुक दिखेगा। और थोड़ा थोड़ा इनर कॉर्नर पे भी हाइलाइट कर लीजिया करें, ऐसे में जो आपका मेकअप है फैबुलस लगेगा और आंखें भी आपकी काफ़ी बड़ी सी लगेगी अगर आपकी आंखें छोटी है। तो अगर आप मैरिड हो तो बिंदी और सिंदूर लगा के आपका जो मेकअप है उसको कंप्लीट कर सकते हो। तो अब मैं पहनने वाली हूँ गुलाबंद, हमारे गढ़वालियों को, गढ़वालियों में इसको मतलब गुलाबंद कहते हैं। तो काफ़ी खूबसूरत लगता है, इसका डिज़ाइन कुछ इस तरीके से होता है। तो मैं थोड़ा सा पफ बना रही हूँ ऐसे साइड पफ, और बालों को थोड़ा ऊंचा कर दो। आपको ऊंचा पफ चाहिए तो ऐसे बना सकते हो, जूड़ा बना दो बस, काफ़ी अच्छा लगेगा। ये वाला हेयर स्टाइल मैंने काफ़ी वीडियो में शेयर किया है, तो और भी मेकअप वीडियो जाके देखे आप, मैंने बहुत सी मेकअप वीडियो भेजी है। तो जैसे गरबा के समय बनाते हैं ऐसे डॉट डॉट बिंदी बिंदी ऐसे बना दी है मैंने। तो झुमके पहन रही हूँ मैं, ये काफ़ी प्यारे झुमके हैं। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसे लगा और मेकअप लुक कैसे लगा आप कमेंट भी कर लीजिया करें, और कमेंट करके बताया करें कि आपको कौन सा मेकअप वीडियो देखना है और कौन सी मेकअप वीडियो मैं बनाऊँ अगली वीडियो में, आप मुझे बता सकते हो। तो मैं थोड़ा और डार्क करने वाली हूँ अपने लिपस्टिक को, ब्लू हेवन की लिपस्टिक लगा रही हूँ मैं, तो काफ़ी अच्छा लगेगा ये वाला हेयर स्टाइल भी। और अगर आप अपने बालों को खोलना चाहते हो तो बालों को खोल सकते बनाती है जो तू, तो मैं आपके लाइक का इंतज़ार करती रहती हूँ और कमेंट का इंतज़ार करती रहती हूँ। फ्रेंड्स आई होप कि मेरा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
याद मुझे।